कार 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 चलाना किसको पसंद नहीं है, चाहे हो रियल लाइफ के अंदर ही क्यों ना हो या फिर गेम के अंदर ही क्यों ना हो। और कैसा हो अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास खुद का एक कार का शोरूम है तब तो आय हाय। स्वागत है सभी को मेरे चैनल के अंदर एक और नए वीडियो में, और आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ सबका पसंदीदा गेम कार फॉर सेल सिम्युलेटर, जिसके अंदर मैं खुद ओन करता हूँ एक कार का लग्जरी सा शोरूम। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू दी कार फॉर सेल सिम्युलेटर। कार फॉर सेल सिम्युलेटर सब कुछ सही है, बट मैं इंट्रो देने के लिए किधर आया हूँ पहले ये देखो भाई। तो आसमान में वो क्या उड़े भाई, आसमान में कार कब से उड़ने लगा? मेरे गेम में भाई हैरी पॉटर आ गया है, बोलना मत कि ऐसा हुआ है। हालांकि मैंने गेम नहीं खेला बहुत दिनों से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग गेम में हैरी पॉटर को ही ऐड कर दोगे। बाय द वे मेरा शोरूम पहले जैसा डब्बा नहीं है, एक लग्जरी शोरूम हो गया है जो कि मैं कल सुबह दिखाऊंगा। आज बहुत ज्यादा रात हो गया है तो मैं फटाफट से सोने चलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो गया है बट ये गेम इतना अटक क्यों रहा था पता नहीं, ग्लिच होगा। चलो ठीक है, आज सुबह सुबह क्या ओपन है, आज ऑक्शन चल रहा है तो काम में सोच रहा था कि कार मार्केट प्लेस ओपन होगा तो बढ़िया रहेगा, कुछ कार भी खरीद लेंगे। बट एक मिनट देखो, मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा है क्योंकि मैंने ऑफलाइन पे बहुत सारा पैसा कमा लिया था। मेरे पास अभी पैसा है 8,43,000 जो कि मेरे हिसाब से तो इनाफ है, बहुत सारा कार आ जाएगा इसमें। मैं काम कर सकता हूँ, मैं एक बार नेबरहुड घूमकर आ सकता हूँ जिधर से मुझे कुछ छोटी मोटी कार मिल जाएगा, उतना खास कार तो नहीं मिलता। बट एक मिनट ये क्या चीज है, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। दो मिनट, मैंने गेम को नया अपडेट किया है, बहुत सारे नए नए चीज ऐड तो हुआ है बट ये क्या चीज है। हैप्पी हैलोवीन, ओके अभी हैलोवीन चल रहा है तो उसके वजह से साथ से कुछ इधर ऐड किया है। और ये छोटू सा क्या है, ब्रिंग मी 30 पामकिन ये कुछ कह रहा था, और ऊपर एक साइन आ गया कि मुझे 30 पामकिन कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये कुछ कह रहा है क्या, यू नीड टू ब्रिंग 30 मोर, ओके शायद से मुझे 30 पामकिन कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इधर से इसके अंदर से शायद से कुछ तो निकलेगा। मेरे ख्याल से इधर से इसके अंदर कुछ का कोई कार्ड है, स्पेशल ऑडिशन कार्ड हो सकता है ऐसा कुछ, मतलब कोई रेयर कार्ड हो सकता है पता नहीं, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये 30 पामकिन कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आज आया था मतलब मेरी शोरूम को अपग्रेड करने के लिए, बट ये तो कुछ और ही टास्क दे दिया, बट फुकट में मेरा कार डैमेज हो गया। हाँ मैं जो कह रहा था कि लगे हाथ में नेबर आ गया हूँ तो मैं दो चार कार को खरीद कर जाता हूँ। दो चार क्या, सामने दिखाई दे रहा है एक सुपड़ा है इधर, मैं एक काम करता हूँ इस सुपड़ा को मैं खरीद लेता हूँ। बट सुपड़ा तो खरीदूंगा वो सब तो ठीक है, बस इन भाई सब को क्या हो गया भाई, ये कौन है, मतलब हैलोवीन है तो कुछ भी यार, ये लोग कस्टम पहन कर आ गया। ओके इसका प्राइस बोल रहा है कि ये 74,524, और मुझे भी मालूम है तुम्हें भी मालूम है कि मैं इतने में तो कार्ड को खरीद नहीं मिला, तो इसके साथ क्यों ना थोड़ा सा बार्गेनिंग हो जाए। इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा मैं कहूंगा तू ये कार्ड मुझे 55,000 में दे दे, अगर ये 55,000 में देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो जाने दो मैं नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे पास अभी पैसा है, मुझे पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मान नहीं रहा 55,000 में, ठीक है तो तुझे मैं लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है इससे कम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, जो है 65,000 में बोल कर देखता हूँ, शायद से इतने में देना चाहिए भाई, 10,000 का डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना। लेट्स गो भाई, मुझे सुपड़ा मिल गया है, और ये मैंने कार देखा था कि एकदम सुपर मिंट कंडीशन पे है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, तो मैं कार को सीधा टो कर रहा हूँ मेरे शोरूम के पास। चलो मैंने एक कार इधर से खरीद लिया है, और इधर एक और कार है जो कि पता नहीं कौन सा ब्रांड का है, लेकिन ये कौन है भाई, हाल कहां से आ गया, हाल ये हाल तो नहीं, मतलब हाल का चाची होगा क्योंकि ये लड़की है मुझे देखकर लग रहा है ऐसा। ऑडी का कार है, S4 ऑडी का कार है, यानी कि अच्छा ही कार होगा तो मैं इसको खरीदने वाला हूँ। उसके इसके साथ थोड़ा सा बार्गेनिंग करता हूँ, इसको कह दो कि तू ये कार मुझे $11,000 में दे दे, अगर ये 11,000 में देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। 11,000 मैंने उसको बोल दिया है, अब देता है कि नहीं मैं देखता हूँ। लेट्स गो गाइस, मुझे मिल चुका है ये कार भी, मुझे ये कार मिल गया, बट इस कार में डैमेज था क्या, मैंने चेक नहीं किया। हाँ 14% डैमेज है, तो इसको मुझे रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा, तो रिपेयर वाले सेशन पे मैंने भेज दिया। भाई 2 मिनट होते इधर तो पूरा जैम हो गया, मैंने 2 मिनट क्या इधर मेरी कार को खड़ी कर दिया तो इधर पूरा जैम हो गया। मैंने अभी इधर से 2 कार खरीद लिया है जो कि मेरे तो इनाफ ही है, और इधर 2-4 और सुपड़ा मिल जाता तो और भी बढ़िया रहा था। वैसे इधर एक और कार है, ये कौन सी कार है, BMW का लग रहा है मुझे देखकर, मैं एक बार जाकर देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये BMW का कोई कार तो होगा। 2 सेकंड, हाँ BMW Series 5, तो इसका प्राइस है 10,000, सस्ती कार है वैसे, लेकिन BMW का कार है, मेरे ख्याल से तो अच्छी प्राइस में बिक देना चाहिए, मेरे ख्याल से ये मुझे सस्ते मिल रही है कार, तो इसको मैं बोलूंगा 8,500 में तू ये कार मुझे दे दे, ठीक है चलो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। लेट्स गो
मुझे ये कार भी मिल चुका है और इसको भी मैंने बाय कर लिया और इसमें भी डैमेज था क्या, मैंने चेक भी नहीं किया। 20% डैमेज है तो इसमें फटाफट से रिपेयर वाले सेक्शन पे भेज देता हूँ और मैं कार को लेकर सीधा चलता हूँ मेरे शोरूम पे, क्योंकि मुझे देखना है कि शोरूम मेरा कैसा हुआ है। ठीक है चलो, और लागे हाथ मुझे एक और काम करना है जो कि है पम्पकिन कलेक्ट करना। मुझे 30 पम्पकिन कलेक्ट करना है इस चीज को ओपन करने के लिए। चलो मैं फटाफट से शोरूम के पास जाता हूँ और पम्पकिन, एक मिनट मुझे एक पम्पकिन ऑलरेडी मिल चुका है जो कि है इधर। एक नहीं दो मुझे पम्पकिन मिल गया इधर। लेट्स गो गाइस, मुझे इधर से एक पम्पकिन मिल गया और इधर एक पम्पकिन है ये रहा। इधर से कलेक्ट करता हूँ इसको, साथ से नहीं इधर से ही मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। चलो दो पम्पकिन मेरे पास आ गया और सामने मुझे एक और पम्पकिन दिख गया है। मैं कार को लेकर फटाफट से उसके पास जाता हूँ और आज 1 बजे से ऑक्शन है और मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा है और टाइम भी हो गया, 12:45 हो रहा है और 15 सेकंड के बाद ही ऑक्शन चालू होने वाला है। तो फटाफट से मैं इसको कलेक्ट करके मैं जाने वाला हूँ ऑक्शन पे, क्योंकि मुझे ऑक्शन अटेंड करना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो मैं कोई भी कार आ जाए तो मैं खरीद सकता हूँ, इसलिए मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा। लेट हो रहा है, एक बज गया मुझे जाना पड़ेगा, मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा। बूस्ट मारो भाई। चलो ऑप्शन चालू हो गया। वेट एक मिनट इधर एक और पम्पकिन है। मैंने कार को एक्सीडेंट कर दिया बट कार एक्सीडेंट होने तो मैं इसको पम्पकिन को कलेक्ट करके मैं फटाफट से जाने वाला हूँ अभी। लेट्स गो। कार को इंजन को बंद करता है, फटाफट से टिकट खरीदना पड़ेगा इसके बाद से, क्योंकि ऑक्शन से कोई ना कोई तो लग्जरी कार आ ही जाता है। और ये फियाट का कार कोई लग रहा है नहीं, राडा स्टेशन वगैरह नहीं, मुझे ये कार खरीदनी है क्योंकि ये सस्ती कार है। कार थोड़ा सा डैमेज है, अच्छी कार है, जाने दो मैं डैमेज कार नहीं खरीदूंगा, जो एकदम बिल्कुल डैमेज नहीं होगा उसको ही मैं सेट खरीदूंगा। वैसे ये लोग जल्दी जल्दी खरीद के नहीं है, मैं थोड़ा सा बीट को आगे कर देता हूँ ताकि ये लोग फटाफट से खरीद ले। इसलिए नहीं मुझे नहीं ले भाई, ले मुझे ये कार मिल गया है, क्या ही कर सकते हैं अब। ओके एक मस्टांग आया है जो कि मैं ले सकता हूँ क्योंकि मस्टांग मुझे पसंद है और अच्छे प्राइस में बिक भी जाता है। चलो मैं फटाफट से एकदम हाईएस्ट बिड में लगाऊंगा जो कि है 2044 डालूंगा, एक और लगाता हूँ उसके बाद मैं छोटा बिड लगाऊंगा क्योंकि मुझे जितना हो सका है पैसा बचाना है। मिल जा। लेट्स गो, मुझे मस्टांग भी मिल चुका है और सुपड़ा, एक और सुपड़ा आ गया है। पहले मैंने एक सुपड़ा खरीदा था 65,000 शायद से होगा या नहीं, मैं इस सुपड़ा को भी खरीदने वाला हूँ क्योंकि ये डैमेज नहीं है, इसलिए मैं सीधा हाईएस्ट बिड लगाने वाला हूँ, एक और हाईएस्ट बिड, उसके बाद मैं छोटा बिड लगाऊंगा। ओ भाई इतने में ही मुझे मिल गया ये सुपड़ा, लेट्स गो, मुझे और बिड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और एक BMW M3 आया है जो कि अच्छी कार है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। लेट्स गो, ये BMW M3 भी मुझे मिल गया है और चारों के चारों कार ही बढ़िया कार है सिवाय इस कार को छोड़ के, क्योंकि ये कार थोड़ा सा डैमेज था साइड से, तो हाँ ये थोड़ा सा डैमेज है और ये कार सस्ती भी है तो इसको मैं टो करा। और वैसे मेरा टो सेक्शन पूरा का पूरा फुल हो चुका है और रिपेयर वाले सेक्शन भी फुल हो गया, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, फटाफट से सारे की सारी कार को मुझे ले जाके ही रखना पड़ेगा। चलो एक को मैंने रिपेयर में लगा दिया और ये भी लग गया रिपेयर में, अब मैं फटाफट से जाके, और इधर एक और, ये देखो इधर भी पम्पकिन है। वैसे इधर हाँ, जो मैं कह रहा था कि मुझे पम्पकिन कलेक्ट करना है आज, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और लेफ्ट साइड पे एक पम्पकिन है और इधर एक और पम्पकिन है, मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ अभी। लेट्स गो, एक और पम्पकिन मुझे मिल गया है और सामने एक और पम्पकिन है, ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया। और पम्पकिन कहीं पे मुझे दिखाई देगा तो मैं कलेक्ट कर लूंगा। वैसे जो मैं कह रहा था कि मुझे जो काम करना पड़ेगा, पहले तो टो जो कार मैंने कराया था उसको हटाना पड़ेगा उधर से, क्योंकि मुझे और भी कार टो करवाना है। इस कार को लेके मैं सीधा मेरे शोरूम के अंदर ही रख देता हूँ क्योंकि इस कार में बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बस बढ़िया। चलो एक कार को मैंने पार्क कर दिया है इधर और दूसरी कार को भी मैं लेकर आता हूँ। चलो सुपड़ा को भी मैंने पार्क कर दिया है इधर और जो कार ऑक्शन में उधर खड़ी है उसको भी मैं फटाफट से लेकर आता हूँ। पहले BMW M3 जाएगा इधर टोट्रैक सेक्शन पे और मेरे पास एक और सुपड़ा, ये भी जाएगा टोट्रैक पे। और मस्टांग को मैं काम करता हूँ, मस्टांग को मैं सीधा रिपेयर वाली सेक्शन पे नहीं भेज सकता तो इसको मैं चला कर ले जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सुबह हो गया है और आज मार्केट प्लेस भी ओपन है, मुझे मार्केट प्लेस से कार भी खरीदना है और मुझे 30 पम्पकिन भी कलेक्ट करना है, तो मैं फटाफट से काम में लग जाता हूँ पम्पकिन कलेक्ट करने में, क्योंकि मुझे देखना है कि उस बॉक्स के अंदर एक्चुअली है क्या। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उसके अंदर देखने के लिए कि क्या है। चलो मैं मार्केट प्लेस में पहुंच गया हूँ और आज कौन कौन सी कार आया है मुझे देखना पड़ेगा। भाई ये गेम अटैक क्यों जा रहा है बार बार। तो आज कार आया है ये एक ऑडी TT हो गया जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि सस्ती कार है, और इधर एक BMW M3 लग रहा है, बाकी पता नहीं। और इसको देखो भाई कैसा है, BMW कूपे 89,000 का मैं इसको खरीदने वाला हूँ, क्योंकि BMW कूपे शायद से कोई महंगी गाड़ी है, BMW ब्रांड है भाई,
महंगी कार तो होगा ही, पर इसको मैं बोलूंगा 89,000 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसको सीधा बोलूंगा 70,000 में तू ये कार मुझे दे दे, 7 लाख में नहीं 70,000 पे। चलो इसको ऑफर मैंने कर दिया, वैसे ये देगा मुझे इतना साइज का मुझे पता था, इसको मैं बोलता हूँ कि तू ना ये कार मुझे 75,000 से दे देगा 75,000 में। लेट्स गो गाइस, मुझे ये कार भी मिल गया है। और इधर कौन कौन सी कार आई है, इधर एक ये पता नहीं क्या कार है, बट इसका कॉस्ट्यूम को एक बार दिखा, इधर भूतिया जैसा लग रहा है। वैसे इधर एक और कार, ये भी मैं, ये दो कार महंगी कार है बट मेरा खरीदने का मन नहीं है, BMW की मैं फटाफट से लेकर चलता हूँ। चलो सारे के सारे कार को मैंने पार्क कर दिया मेरे शोरूम के अंदर, और अभी तो मेरा शोरूम पूरा का पूरा भर गया है। शोरूम के अंदर है 4 कार और बाहर 2 कार और 2 कार रिपेयर वाली सेक्शन पे, उसको मैं बाद में लेकर आऊंगा। पहले मेरा फरारी कार मार्केट प्लेस पे खड़ी है, तो उसको मैं फटाफट से लेकर आता हूँ। आज मेरा पहला टास्क होगा, सबसे पहला टास्क जो कि है पम्पकिन कलेक्ट करना, उसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि उसके अंदर एक्चुअली है तो है क्या। वैसे मुझे पम्पकिन घर मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा चेक कर आता हूँ। इस मुझे पता था इधर एक ना एक तो मुझे मिलेगा, तो नहीं इधर से मुझे एक पम्पकिन मिल गया है, इधर और पम्पकिन होगा कि नहीं मुझे आइडिया तो कोई नहीं है कि इधर किधर मुझे पम्पकिन मिलने वाला है वैसे, बट मैं पूरा का पूरा मैप तो ढूंढने वाला हूँ कि मुझे पम्पकिन किधर किधर मिलेगा। वैसे मैं एक बार नेबरहुड घूम कर आता हूँ, शायद से उधर मुझे मिल सकता है पम्पकिन। वैसे दो सेकंड मैंने पीछे कुछ तो देखा था, शायद से नहीं, मेरा बहम है। और इसके अंदर पम्पकिन उड़ा इसके अंदर भी एक पम्पकिन मिल गया मुझे, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई तो पम्पकिन तो होगा। पहले इसको भी कलेक्ट करता हूँ, मतलब जिधर जिधर मतलब घर बना रखा है ना उस उधर पम्पकिन मिल जाए, जैसे कि इधर एक और मुझे पम्पकिन मिल गया, इधर से मुझे 2 पम्पकिन मिल गया, मेरे पास अभी 10 पम्पकिन हो गया है, मुझे और सिर्फ 20 कलेक्ट करना है, उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो 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 फटाफट से कलेक्ट करता हूँ। और वेट मिनट भाई, मैंने देख लिया किधर छुप रहा है मैंने देख लिया, इधर एक और पम्पकिन मुझे मिल गया है, पम्पकिन में आ गया, मेरे पास अभी 11 पम्पकिन हो गया है। तो मैं फटाफट से फिर से कार को लेकर निकल चलता हूँ, जाता है नेबरहुड में। मेरे ख्याल से नेबरहुड में मुझे पम्पकिन मिल सकता है खूब सारा, क्योंकि नेबरहुड बहुत बड़ा है, इसलिए उसके अंदर से मिलने का चांसेस ज्यादा है। वैसे इधर भी मुझे मिल सकता है, मुझे पता नहीं मिलेगा पम्पकिन कहाँ छुप रहे हो, मैंने देख लिया, मुझे एक और पम्पकिन मिल गया, मेरे पास अभी 12 पम्पकिन हो गया है। और इस घर के पीछे भी हो सकता है पम्पकिन, मैं एक बार पीछे जाकर भी देखता हूँ, शायद से पीछे भी एक पम्पकिन मिल जाए मुझे तो भी और भी बढ़िया रहेगा। चलो 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 पम्पकिन जी कहाँ हो, फटाफट से मेरे सामने आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें फटाफट से कलेक्ट करके मैं उस सरप्राइज गिफ्ट को कलेक्ट कर पाऊँ। जैसे कि इधर एक और मुझे पम्पकिन मिल गया, मुझे पता था कि इधर मिलेगा मुझे, मेरे पास अभी 13 पम्पकिन हो गया है, 17 पम्पकिन मुझे और कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस सरप्राइज गिफ्ट को ओपन कर सकता हूँ। सामने मुझे एक और पम्पकिन मिल गया, देख मैंने देख लिया, ये रहा इधर एक पम्पकिन। रुक जा भाई, ये कार रुकता भी नहीं है, ब्रेक एकदम बेकार है, इसको कलेक्ट करते हैं। और मैंने इधर एक और पम्पकिन देखा था एक ग्लिच की वजह से, कि इसके अंदर एक पम्पकिन है, जो कि मैंने आते टाइम ही देख लिया। ओए आज मैं मेरे कार को मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा। चलो और इसके अंदर मैंने देखा था कि एक पम्पकिन है, इसके अंदर इधर साइड से था ना, इधर नहीं, ओ ये रहा इधर था, तभी तो मैं बोलू कि किधर गया। और इधर और पम्पकिन, तुम्हारा पैसा पम्पकिन, इधर पम्पकिन है, नहीं इधर कुप्चे में तो पम्पकिन नहीं है, एक सेकंड इधर एक और रूम है, इसके अंदर पम्पकिन हो सकता है, जरूर से जरूर होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ भाई साहब, तुम लोगों ने इधर कोई पम्पकिन देखा है, अगर देखा हो तो मुझे थोड़ा सा बता दो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा पम्पकिन से ना एक रेसिपी बनाना है, इसलिए मैं पम्पकिन से कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं ओपन करने वाला, मैं बस ऐसे ही ढूंढा हूँ, अगर तुम लोगों को दिखाई दे तो कोई पम्पकिन जरूर बताना, थैंक यू एडवांस मैंने कह दिया, थैंक यू, अगर उन लोगों को दिखाई देगा तो मुझे कह देगा भाई साहब। और मुझे एक और पम्पकिन मिल गया, मुझे एक और पम्पकिन, ऐसा ना मतलब कितना दूर मैं दिखाता हूँ, मुझे कैसे दिखाई दिया मुझे खुद नहीं पता, बट मुझे कैसे दिखाई दिया मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज एक थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और सामने एक काम पम्पकिन है, जो कि मैंने पहले देखा, थोड़ा सा धीरे धीरे क्योंकि मेरा कार इधर एक्सीडेंट हो सकता है, ठुक सकती है, इसलिए चलो रुक जाओ इधर ही बस मेरे पास अभी हो गया 16 पम्पकिन, मुझे सिर्फ और सिर्फ और 14 पम्पकिन कलेक्ट करना है, उसके बाद मैं सरप्राइज गिफ्ट ओपन कर सकता हूँ। और मुझे 14 ओए कार को क्या हो गया, मुझे 14 पम्पकिन किधर मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। सामने मुझे एक और पम्पकिन दिख गया, मुझे सामने एक और पम्पकिन मैंने देख लिया, तुम्हें रुक जाओ एक और पम्पकिन मैंने कलेक्ट कर लिया, 17 हो गया सिर्फ और सिर्फ अभी चाहिए 13 पम्पकिन, उसके बाद मैं ओपन कर पाऊंगा। सामने मुझे एक और पम्पकिन मिल गया है, इसे भी कलेक्ट करो, एक और पम्पकिन मुझे मिल गया है।
और बस चाहिए मुझे 12 पंपकिन, जो कि बहुत सारा ही है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है 12 पंपकिन को कलेक्ट करने में, मुझे पता है। मैं एक बार नेबरहुड तो मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ, शायद से पीछे मुझे मिल जाए पंपकिन, तो भी सकता है पीछे पंपकिन छुपा कर रखा हो ताकि मुझे ना मिले, इसलिए मैं ये तो रहा, मैं कह रहा था कि इधर आसपास में हो सकता है पीछे पंपकिन, इसलिए तो मैं पीछे से घूम कर आया हूँ, मुझे पता था कि इधर मिलेगा मुझे। ये एक और पंपकिन मुझे इधर से मिल गया। चलो इस पंपकिन को भी कलेक्ट करो जो कि इस नेबर के घर के पीछे था। मुझे ना पीछे पीछे भी चेक करना चाहिए कि इस घर के पीछे अगर मुझे एक और पंपकिन मिल जाए तो मस्त हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक तो नहीं मिला पंपकिन। और पंपकिन पंपकिन किधर है पंपकिन, दूर दूर तक का पंपकिन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरे ख्याल से नेबरहुड में मैंने जितना पंपकिन था मैंने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया, कि हो भी सकता है कि कोने में छुपा हो पंपकिन, तो मैं इसलिए कोने कोने में ढूंढने वाला हूँ पंपकिन को अभी। और इस घर के पीछे भी पंपकिन नहीं है, ठीक है ये भी मैंने चेक कर लिया। ओके और रात हो गया, रात में एक बढ़िया चीज आएगा, रहा है पंपकिन जो है ना ग्लो करता रहता है, मतलब उसके अंदर से एक लाइट होता है जिसके मदद से मुझे पंपकिन रात में आसानी से दिख सकता है। इधर वैसे और पंपकिन होगा मुझे लग तो नहीं रहा, वैसे हो भी सकता है। ओए मिल गया मुझे पंपकिन, मिल गया थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा सा पीछे आएगा, ये थोड़ा पंपकिन मुझे मिल गया, एक और पंपकिन मिल गया मुझे, 20 था अभी, इसको कलेक्ट करके हो जाएगा मेरे पास 21 पंपकिन। सिर्फ और सिर्फ मुझे और 9 पंपकिन कलेक्ट करने पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको ओपन कर पाऊंगा। इसको कलेक्ट करो, लेट्स गो, हो गया, इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। और इधर पंपकिन टाइप है तो नहीं, थोड़ा सा मैं जंप कर ये इसके पीछे, नहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं पे काम पंपकिन तो नहीं मिला मुझे, तो फटाफट से मैं कार को लेकर निकल जाता हूँ। मुझे एक चीज याद है कि मैंने एक पंपकिन देखा था जो कि है मेरे कंटेनर के पास, और पंपकिन इधर कहीं पे है तो नहीं, मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाकर देखूं तो पंपकिन मुझे मिल गया, मुझे एक और पंपकिन मिल गया, लेट्स गो, एक और पंपकिन मुझे मिल गया। सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी 8 पंपकिन चाहिए, उसके बाद मजा आ जाएगा, ठीक है। इधर कोई पंपकिन नहीं है और दूर दूर तक मुझे कहीं पे पंपकिन तो दिखाई नहीं दे रहा, और इस घर के पीछे मैंने चेक किया था क्या, मुझे याद तो नहीं है, बट फिर एक बार चेक कर लेता हूँ क्या जाता है। दो सेकंड, नहीं इधर कोई पंपकिन नहीं है, सामने वाले घर पे पीछे एक पंपकिन है जो कि मैंने देख लिया है, उसमें कलेक्ट करूंगा, बट मैं एक बार इसके पीछे देखना चाहता हूँ कि इधर इस चट्टन के पीछे कोई पंपकिन है कि नहीं, होना तो चाहिए इस चट्टन के पीछे, ऐसे इधर दो चट्टन हो आ गया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सामने एक मिनट, मुझे मैंने देख लिया पंपकिन, और इस घर के पीछे भी एक पंपकिन है, उसको भी मैं कलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं कलेक्ट करूंगा। चलो ये भी मिल गया मुझे एक और पंपकिन, और सामने एक और पंपकिन है, उसको भी मैं फटाफट से कलेक्ट कर आता हूँ। चलते हैं फटाफट मार्केट प्लेस के अंदर है पंपकिन, और ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया। चलो सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी 6 पंपकिन चाहिए, उसके बाद मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। मैंने इधर मार्केट प्लेस चेक कर लिया, मैंने रेड बार चेक किया था, मैंने चेक किया था रेड बार को, और रह रहा है मैं एक बार कार ऑप्शन को मैं ठीक से फिर से चेक करना चाहता हूँ। वैसे मैंने एक बार चेक किया था कार ऑप्शन को, बट मैं एक और बार चेक करना चाहता हूँ थोड़ा सा दूर दूर जाके। कार ऑप्शन के पीछे कोई पंपकिन नहीं है, मैं थोड़ा सा दूर आया गया हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे कि पंपकिन अगर कहीं पे होगा तो। मुझे पंपकिन मिल गया, बट एक मिनट से मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो आसमान में कार उड़ रहा है, भाई तुम बताओ यार ये क्या चीज़ है, हैलोवीन हो तो है तो क्या हो, कुछ भी मतलब आसमान में कार उड़ने लगेगा, और मैं एकदम टॉप पे पहुंच गया हूँ, इधर से मुझे सारे के सारे पंपकिन दिख सकते हैं। वैसे मैंने सामने एक पंपकिन देखा था, उधर सामने एक पंपकिन है मुझे याद है मैंने देखा था, और इसके पीछे पंपकिन नहीं है, इधर कोई पंपकिन, सामने एक पंपकिन है मुझे पक्का पता है, बट मेरा कार कहाँ गया, ये तो रहा सामने बहुत दूर मैंने रखा है, और वो देखो उधर कुछ तो चमक रहा है, मेरे ख्याल से वो पंपकिन ही होगा। चल मैं ऊपर खबर रास्ते से कार को लेकर लेता हुआ मैं आ गया इधर पंपकिन को कलर करने में, और मेरे पास अभी हो गया है 25 पंपकिन, और पंपकिन मुझे कहाँ मिलेगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मिल गया मुझे एक और काम पंपकिन मिल गया, बढ़िया चीज है, मुझे एक और पंपकिन मिल गया, तो उसके बाद मेरा पंपकिन हो जाएगा 26। भाई एंटर किधर से करना है, चलो फटाफट में चलते, फटाफट कार को भागो, कार भागा, ये रहा पंपकिन, भागा, बस, रुक जा, इधर ही था पंपकिन। चलो
26 हो गया। मैं एक बार मेरे शोरूम को भी एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद से आसपास में मुझे कोई पम्पकिन मिल जाए। पम्पकिन इधर कहीं पे है तो मेरे ख्याल से नहीं, इधर कोई पम्पकिन नहीं है, इधर कोई पम्पकिन नहीं। मैं एक बार गैराज को चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसके पीछे, नहीं है पम्पकिन इधर, पीछे चेक हो गया। उसके बाद मैं चेक करूंगा इसके अंदर, जो कि सामने ही है मेरा पम्पकिन। चलो एक और पम्पकिन मुझे मिल गया, जो कि हो गया 27। उसके बाद मैं चेक करूंगा आसमान में कार उड़ रहा है, हाँ, जो कि मैं चेक करूंगा इसके अंदर। इसके अंदर पम्पकिन कोने में नहीं है, और इस कोने में भी नहीं है, और सामने भी नहीं है पम्पकिन। ओके, इधर एक रास्ता जा रहा है, इसके पीछे तो पम्पकिन नहीं है, इसके पीछे नहीं, इसके पीछे भी पम्पकिन नहीं है कोई। सामने ऑटो रिपेयर वाले सेक्शन पे एक बार मैं जाता हूँ, उसके साइड से इसके अंदर कोई पम्पकिन हो। पम्पकिन नहीं, इधर कोई पम्पकिन नहीं है, और इधर भी नहीं है, कहीं पे पम्पकिन नहीं है। कार के सामने नहीं है, इस कार के सामने नहीं है, और मैं जाता हूँ इसके पीछे। इसके पीछे इधर पम्पकिन है क्या? पम्पकिन जी आ जाओ फटाफट से मेरे सामने पम्पकिन। ये तो रहा, दो पम्पकिन इधर से मुझे मिल गया, 28, और ये हो गया 29। और रेड़ा है सिर्फ और सिर्फ एक पम्पकिन, और वो एक पम्पकिन मुझे किधर मिलेगा कोई आइडिया नहीं है। ये पूरे का पूरे मैप में जो कि मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई, इसमें हालत टाइट होने वाली है। ये एक जो पम्पकिन रह गया ना, उसको ढूंढने में तो भाई मेरा हालत टाइट होने वाला है, मुझे पक्का पता है। किधर मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसके इधर भी कोई पम्पकिन नहीं है, मैं मुझे किधर से मिलेगा आई डोंट नो भाई। फटाफट से मैं कार को लेकर चलता हूँ पम्पकिन को ढूंढने के लिए। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए, और उसके बाद मैं ओपन कर सकता हूँ उस सरप्राइज गिफ्ट को। वैसे मैं एक बार काम करता हूँ, मैं एक बार दिन कर देता हूँ, दिन में मैं ढूंढूंगा एक बार। बहुत हो गया रात में ढूंढा ढाँडी, सीधा मैं सोने जाता हूँ। लिटरली गाइस, फाइनली मुझे लास्ट पम्पकिन मिल गया भाई। इस पम्पकिन को ढूंढने में जो हालत खराब हुआ है ना, क्या ही बताऊं मैं पूरा का पूरा मैप मैंने एकदम से क्या ही बताया, मैं पूरा का मैप मैंने छान लिया, उसके बाद जाके मुझे ये पम्पकिन मिला। मेरा पूरा का फ्यूल खत्म हो गया था इस पम्पकिन को ढूंढने के लिए, लेकिन फाइनली मुझे मिल गया है। चलो अब देखते हैं कि इस बड़े से बक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है। हाँ भाई, छटकू भाई, तो दे दो मुझे मेरा सरप्राइज गिफ्ट। लेट्स एक थीम वाला कार तो है वैसे, लेकिन ये कौन सी कार है? BMW N3 कूप। थोड़ा सा तो निराश हुआ मैं, बट मुझे थीम वाला कार मिला है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा निराश हुआ, मैं सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा निराश हुआ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर से ये BMW का कार निकलेगा भाई। मैंने कहां सोचा था कि मुझे एक GTR मिलेगा, नहीं मुझे मिला ये एक BMW कूप, जो कि बोला जाए तो बढ़िया ही चीज है, क्योंकि देखो थीम वाला चीज कार है, जो कि एक रेयर कार होता है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इस गेम में एक भी थीम वाला कार नहीं है, ये पहला कार है जो कि थीम में आया है, हेलोवीन स्पेशल कार, इसलिए इस कार को तुम रेयर कार ही कह सकते हो मुझे, मतलब मेरे हिसाब से तो। बाकी तुम लोगों क्या कहोगे मुझे नहीं, कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं खुशी हूँ, तुम कह सकते हो मैं खुश हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरे शोरूम के सामने देखो एक बार कैसा देखने में लग रहा है भाई साहब, लिटरली गजब ही लग रहा है देखने में, जो भी बोलो। और इसमें जो भूत का थीम बना हुआ है ना इसके अंदर से, इसके लिए और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में मेरे ख्याल से। तो आज हमने एक स्पेशल एडिशन कार्ड निकाला, जो कि है हेलोवीन स्पेशल कार्ड, और आज हमने ऑक्शन से बहुत सारा कार खरीदा। चार मैंने ऑक्शन से आज कार खरीदा था, और मार्केट प्लेस से एक कार खरीदा था, नेबरहुड से एक नहीं दो साइड से कार खरीदा था, यानी कि आज तो बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा मेरे पास पैसा आ गया, पैसा दिख नहीं रहा बट है। आई होप कि आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको दबा दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।